ऑफ वडोदरा। तारीख 1/1/2018 ना दिवसे महाराष्ट्र राज्यना पूना शहर पासे भीमा नदीना कांठे थयेल विश्वनु अद्वितीय युद्ध के जेने विश्वना इतिहास भूगोळनी साथे साथे गणित पण बदली नाख्यु। 500 मूळ निवासी बहुजन समाजना जांबाज फौलादी योद्धाओए 28,000 विदेशी आर्य पेशवाओने गाजर मूळानी जेम कापीने फेंकी दीधा हता। आ प्रसंगे महासभा, महासलामी और महारेली आयोजन करूरवीर जबाज फौलादी हजारों वर्ष की गुलामी खात्मो कर मान सम्मान स्वाभिमानी लड़ाई लड़नार क्रांतिकारी सैनिकों ने महासलामी आप लाखों करोड़ों मूल निवासी बहुजन समाज लोगनी माता क्रांति ज्योति भारत देश प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की जन्मजयंती निमित्ते सन्मान आप पादरा तालुकाना स्वयं सैनिक दल भीम सैनिकों द्वारा पादरा पीपी श्रॉफ हाईस्कूल ग्राउंड में मोटी संख्या में भेगा थी महासभा कर महासभा बाद भीम सैनिक शिस्तबद्ध एक लाइन सोशल डिस्टन्स विजय संप साथ महारेली पादरा विविध विस्तारों में निकली थी। जय भीम नारा थी पादरा नगर ने धमधमा नाख्य डॉक्टर बाबा साहेब की प्रतिमा पास महारेली आवी हती। स्टार्ट आज रोज तारीख 2 रविवार जान्युआरी आज पादरा अंदर शौर्य दिवस तरीके स्वयं सैनिक दल एक कार्यक्रम आप कार्यक्रम नो इतिहास 1 जान्युआरी 1818 अंदर भारत देश नी अंदर पूना नजीक आवेला ओरे गाँव में एक युद्ध थे। आ युद्ध भारत देश नी अंदर समानता स्थापित करवा माटे एक असमान विचारधारा नी सामू एक समान एक समानतावादी विचार तो अहीं असमानता ने समानता आ बेनी स्थापना माटे जे लोको असमानता नो भोग बनेला ए लोकोना पोताना आत्मसन्मान माटे आ लड़ाई एक विचार नी सामू एक विचार सामे हती। तो ए युद्धनी अंदर जे 500 महार जवानों जे पेशवाई विचारधारा हती जे अत्याचारी विचारधारा हती अने अत्याचारी विरुद्ध आज 500 महार सैनिकों जे तो 28,000 जेवड़ी मोटी जे फौज हती एने परास्त करी। तो अहीं परास्त करवानो सीधो मतलब ए थाय छे के एक शोषित विचारधारानी सामू शोषण भाग बनेला लोको ए शोषण ने खिलाफ एक क्रांति करी। तो अमे एक जे शौर्य दिवस है ये शौर्य दिवस ने एटला माटे उजाइए छे के आ शौर्य दिवस एक विचार हतो एक शोषण सामे एक क्रांति हती ए क्रांति भाग रूपे आज वर्तमान भारत देश नी अंदर जे भारतीय बंधारण लागेलू छे आ भारतीय बंधारण लागू होवा छता आजे पण क्या क्या जग्या उपर तमे जुओ તે શોષણો દેખાઈ જ રહ્યા છે। તો અમે જે ભારત દેશના જે નાગરિકો છે એ નાગરિકોને કહેવા માગીએ છીએ કે પોતાના સન્માન માટે પોતાના આત્મસન્માન માટે તમારે હર હંમેશની માટે આંદોલિત રહેવું જોઈએ। આંદોલિત રહેવું જોઈએ એટલે વિચારોથી મજબૂત રહેવું જોઈએ અને હર હંમેશની માટે અન્યાયની સામે તમારો એક મોટો અવાજ હોવો જોઈએ એના ભાગરૂપે આ શૌર્ય દિવસે 2 જાન્યુઆરીએ પાદરાની અંદર આ કાર્યક્રમ આપવામાં આવ્યો છે। કેટલા વિસ્તારોની અંદર છે તે આ શૌર્ય દિન નિમિત્તે તમે જે રેલી યોજવાના છો ને? એકચ્યુઅલમાં પ્લાનિંગ બહુ મોટું હતું પણ હાલની અંદર ઓમિક્રોન નામનો વાયરસ છે તે વાયરસ એ પણ ખતરનાક રીતનો સ્પ્રેડ થઈ રહ્યો છે। તો અમે એવું નક્કી કર્યું કે ભાઈ એકથી એક સૈનિકનું અંતર 6 ફૂટનું હોય અને રેલી જે લાંબી હતી એને કટિંગ કરી અને અમે પીપી શ્રોફ હાઉસની અંદર સભા જ કરીશું અને સભા બાદ બાબા સાહેબ આંબેડકરને અમે પુલહાર વિધિ કરીશું। તો અહીંયા અમે બાબા સાહેબને સલામી આપી અને આ કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ